हे व्हाट्सअप गेमिंग गाइस, मेरा नाम है अक्षत। आप देख रहे हैं मिस्टर स्टैक बीट। दोस्तों बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और अब रोज़ वीडियो आएंगे कि पबजी के गेम प्लेस। और यहाँ पे मैं आपको एक नया चैलेंज करके दिखाने वाला हूँ कि अगर हम पानी में चल जाते हैं जॉम्बी के मोड में, और फर्स्ट नाइट और सेकेंड नाइट हम दोनों बिताएंगे पानी में, और देखते हैं कि पानी में क्या होता है, क्या वो हमें मार पाएंगे, क्या हम सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं सुबह तक। तो ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, और इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि ये बहुत ही नया टेस्ट है और बहुत ही नया एक्सपेरिमेंट है। आपको देख के बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर बता दूँ कि मैं वाटर सिटी में उतरना चल वाला हूँ, क्योंकि वाटर सिटी में पानी वाला इलाका है और वहाँ पर लूट भी ठीक ठाक मिल जाती है। एक शॉटगन का काम है मुझे बस, क्योंकि शॉटगन से अच्छे से मरम्मत हो जाती है ज़ॉम्बीज़ की। तो एक शॉटगन बस मुझे मिल जाए, और यहाँ पे मैं घरों में चल जा रहा हूँ जल्दी से, और बस मुझे अच्छे लूट यहाँ पे मिल जाएगा। और उसके बाद अगर कहीं ज़ॉम्बी दिखा तो मैं पानी में जाके उन्हें मार भी सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे कॉम्बैट नाइफ मिल गया, और यहाँ पे मुझे सब नाइफ ही दिख रहे यार, कोई गन नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे गन, यहाँ पे अभी तक तो गन नहीं। तो बहुत देर, ये देखिए AKM मिल गया। AKM मिलने के बाद अब मैं चलता हूँ आगे। तो ये देखिए मुझे AKM मिल गया, स्मोक ग्रेनेड मिल गया, बैंडेजेस मिल गया, बहुत सारे चीज़ मिल चुके हैं, और यहाँ पे वेस्ट भी मिल गया है, बहुत सारी चीज़ें लूट अभी बाकी है। तो स्कारल मिल गया, एक शॉटगन भी मिल गया। यहाँ पे मेरा एक टीम नॉकआउट हो गया, तो उसको रिवाइव कर रहा है जन, तो शायद वो उसका ये हो गया, वो किल्ड है। अच्छा हाँ, तो यहाँ पे मैंने एक जॉम्बी को मारा बहुत दूर से। थैंक यू, तारीफ मत करो। तो यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से अभी मैं भागा हूँ वहाँ से, क्योंकि ब्लू जोन आ रहा था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्कल छोटा हो रहा है। यहाँ से एक आदमी भाग रहा है और मैं उसे एम कर रहा था, लेकिन वो एम करते करते मैं वो गायब हो गया, और मेरे पास AKM था। AKM से उतनी दूर की शॉट अच्छी नहीं लगती, फिर भी मैं होलोग्राफिक से ही एम किए जा रहा हूँ कि लग जाए, लेकिन नहीं लग रहा था। फिर मैंने उसका पीछा किया कि कहीं तो रुकेगा, लेकिन फिर वो अचानक गायब हो गया। फिर मैं यहाँ पे आ गया पानी के पास रोज़ॉक के एकदम एंड पे, कि अगर इस यहाँ पे नाइट होने वाली है फाइनली थोड़े 2 मिनट में, तो अगर कोई ज़ॉम्बी आ गए तो मैं उन्हें मार दूंगा आसानी से। तो यहाँ पे नाइट हो चुकी है, और आप देख सकते हैं कि पूरा अंधेरा छा गया है, और यहाँ पे बगल में पानी है। अगर ज़ॉम्बी की तादाद बढ़ी तो मैं डायरेक्टली पानी में कूद जाऊँगा। तो देखते हैं कि कोई ज़ॉम्बी आता है कि नहीं। वो देखिए एक ज़ॉम्बी आ गया, इसे मैं मार देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मर गया, 2 किल हो चुके मेरे ज़ॉम्बी के। यहाँ पे 2-3 आ रहे हैं लगातार इन्हें मेरे। अरे शिट यार, मेरा गोली बहुत कम बचा, मेरा गोली ख़त्म होने वाला है, मेरा गोली ख़त्म, अब मुझे जाना ही होगा पानी में। तो देखते हैं पानी में मैं नाइट बिताता हूँ, अब देखते हैं क्या होता है पानी में, मैं बच पाता हूँ कि नहीं। और मेरे एक टीममेट मर चुका है, एक टीममेट डिस्कनेक्टेड है, और मैं अकेला यहाँ पर सर्वाइव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है। वो लोग ब्लू जोन में ही फंसे हुए हैं, और मैं यहाँ पे पानी में ही स्प्रिंट पे लगाकर घूम रहा हूँ, देखते हैं कि कितने देर तक मैं यहाँ पे ज़िंदा रह सकता हूँ। और मैं यहाँ पे तैर ही रहा था, अभी थोड़ी ही देर में कुछ अजीब हुआ, जो कि आपको देख के बहुत ही अजीब लगेगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या हुआ। देखिए यहाँ पे मैं अचानक ऊपर आया, अचानक वो मोटा ज़ॉम्बी आके मुझे मारने लग गया, तो मैं जल्दी से नीचे गया, क्योंकि और ये देखिए दोस्तों यही चीज़ अजीब बोल रहा था मैं, मेरे सामने से भी बेचारा एक आदमी पार हो रहा था, उससे भी ज़ॉम्बी का डर था। वो जल्दी जल्दी गया ज़मीन पर कि मुझे मारेगा, तब तक मैंने उसे एक शॉट गन चलाई, और वो रिलोड कर रहा था तब तक मैंने मारा उसे, और बाकी ज़ॉम्बी ने मेरा काम आसान कर दिया, और मैं जल्दी से फिर नीचे आ गया कि मुझे कोई ज़ॉम्बी हानि ना पहुंचा पाए, क्योंकि मेरी हेल्थ पहले से ही बहुत डाउन थी। तो यहाँ पे मैं फिर मैं तैरना शुरू कर दिया, और यहाँ पे अब दिन होने वाला है, और दिन हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ा आया पानी में रह के, और मेरा तीनों टीममेट मर चुके हैं। अब मेरा कोई टीममेट जिंदा नहीं है, मैं अकेले जिंदा हूँ, और यहाँ पे मेरे पास एक गोली बचा हुआ है बस। तो अब एक गोली में देखते हैं कि क्या होता है। तो एक गोली में मैं अभी जा रहा हूँ, तो देखते हैं कि, तो यहाँ पे मेरे पास अब मुझे गोली मिल गई है। तो अब मैं देखिए उन पान विलास मसाला ये फेंकते हैं, तो बहुत ही डैमेज करता है। मेरे पास अभी हेल्थ किट भी नहीं है, डैमेज कर रहा, तो मैं उसे रिकवर भी नहीं कर सकता। यहाँ पे क्रेट में कुछ मिल जाए, तो यहाँ पे मुझे एनर्जी ड्रिंक मिली और ज़ॉम्बी ग्रेनेड मिली है। तो यहाँ पे मैं आगे चल रहा हूँ, मुझे गोली तो मिल गई है,
और यहाँ पे मुझे गाड़ी दिखी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि सेकेंड नाइट के लिए गाड़ी को अंदर घुसा दूँ और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि गाड़ी में पीछे वाली सीट में बैठकर निकल जाऊँगा और उसके बाद वहाँ से फायरिंग भी कर पाऊँगा और हेल्थ किट भी यूज़ कर पाऊँगा। लेकिन एक बहुत ही ख़राब चीज़ हुआ कि ये नीचे चल गया था और मुझे ये नहीं लगा था कि ये नीचे डूब जाएगा। मुझे लगा था कि थोड़ा सा भी तैरेगा तो मैं पीछे वाली सीट से निकल कर मार दूँगा, लेकिन नहीं हुआ। और अब क्या हुआ कि अभी मुझे निकलना पड़ गया क्योंकि मेरे लंग्स में पूरी तरह से पानी भर चुका था, तो मुझे निकलना पड़ा। और अब रात हो चुकी है, सेकेंड नाइट हो चुकी है, अब देखते हैं कि कैसे मैं सरवाइव कर पाता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अब जॉम्बी की तादाद में इतनी बढ़त हो गई है कि यहाँ पे मुझे अब नहीं लग रहा कि मैं बच पाऊँगा। लेकिन उन्होंने अपना ये पान मसाला थूकना शुरू कर दिया और बहुत लोगों ने फेंक रहा, लेकिन मैं स्प्रिंटिंग पर ऑन रख के इधर उधर घूम रहा हूँ। और यहाँ पे फाइनली नाइट ख़त्म होने वाली है और मैं आपको बता दूँ कि इतना सही हुआ कि पानी में रह रह के मैंने जॉम्बी सेकेंड नाइट में बच गया। मैं तो बहुत ही खुश नसीब हूँ। और यहाँ पे मेरे पार्टनर्स भी नहीं, मेरे तीनों पार्टनर मर चुके हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं रैंडमली खेल रहा था तो ये तीनों पार्टनर मर गए मेरे, क्योंकि मेरे तीनों रैंडमली थे, कोई दोस्त नहीं था तो एक साथ नहीं आ रहे थे, जो अपने में सब खेल रहे थे तो सब मर गया। तो यहाँ पे सुबह हो चुकी है और मैं यहाँ पे भाग रहा हूँ, यहाँ पे ड्रॉप जा रहा हूँ, तो मैं सोचा कि ड्रॉप लूट लेता हूँ। लेकिन पहले मैं सोचा कि चलो मैं सर्कल में चल लेता हूँ, उसके बाद ड्रॉप लूटूंगा। तो ड्रॉप सर्कल में जाते टाइम मुझे यहाँ पे सबसे पहले अपने आप को छुपाना था, क्योंकि ये ऐसा जगह है जहाँ पे छुपने का कोई जगह ही नहीं है। ये नई जगह है, मतलब नई टाइप की जगह है। यहाँ पे पबजी ने बहुत सारी चेंजेस किया, तो यहाँ पे छुपने का कोई जगह ही नहीं है। जल्दी ये देखिए, यहाँ पे मैं छुपा हुआ हूँ। या फिर यहाँ पे फूटी हुई गाड़ी मिली, तो यहाँ पे मैं सोचता था कि मैं इसे चला लूँ, लेकिन पता चला कि ये बहुत ही पहले से डैमेज, अगर कहीं भी ठुका गई तो ये फट जाएगी और मैं ही मर जाऊँगा। तो यहाँ पे मुझे किसी ने फायरिंग की, तो मैं जल्दी से कूद के और उस स्नाइपिंग से बचने के लिए मैंने जल्दी से इसका नीचे झुक गया और मैंने जल्दी से अब हेल्थ किट यूज़ कर ले रहा हूँ कि उससे क्या होगा। मेरे पास हेल्थ किट तो है नहीं वैसे, मैं बैंडेज जल्दी से यूज़ कर ले रहा हूँ, उससे क्या होगा कि मेरा हेल्थ फुल रहेगा तो जल्दी से वो लोग मार नहीं पाएंगे। तो देखते हैं कि अब क्या होता है। मैं सर्कल से फिर बाहर आ चुका हूँ और सामने से फायरिंग हो रही है। मुझे वो आदमी तो दिख गया, लेकिन मैं घास में लेटा हुआ हूँ और अगर मैं घास से उठा तो वो मुझे मार देगा, वो रेडी है मुझे मारने के लिए। लेकिन मैं अभी लेटा हूँ, मेरे पास उतना बढ़िया गन नहीं है, शॉर्ट गन है और एक M416 है। तो M416 आपको भी पता है कि उतना डिस्टेंस का नहीं लगेगा, और मेरे पास कोई बढ़िया स्कोप भी नहीं है कि मैं उसे मार पाऊँ, क्योंकि लूट इस गेम में मुझे अच्छी मिली ही नहीं थी शुरू से। ये बात तो फिक्स है कि मुझे लूट अच्छी मिली ही नहीं थी। अगर मुझे लूट अच्छी मिली रहती तो कोई बात रहती, लेकिन लूट अच्छी मिली नहीं, तो इसके लिए बहुत ही अफसोस हो रहा है कि अगर लूट अच्छी मिल रही तो शायद मैं उस आदमी को मार दिया रहता। तो यहाँ पे देखते हैं, अभी मेरे हेल्थ बढ़ा ली है और यहाँ पे मैं छुप ले रहा हूँ यहाँ पे उसका सपोर्ट लेकर, यहाँ पे बैठ के अभी पिक करके देखता हूँ कि वो कहाँ है। तो अभी तो वो मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं पिक करके देखता हूँ TPP से। तो यहाँ पे देख रहा हूँ, रुकिए यहाँ पे तो कुछ गलत ही पिक हो गया। तो ब्लू जोन आ रहा है बहुत तेज़ी से दोस्तों वहाँ पे से, और मुझे डर लग रहा है कि कहीं ब्लू जोन मुझे पार ना कर जाए, इसलिए मैं जल्दी से भाग रहा हूँ सर्कल की ओर। और यहाँ पे सर्कल का टाइम भी ख़त्म होने वाला है, 13 सेकंड लेफ्ट है, और वहाँ से कोई स्नाइपिंग शुरू कर दिया है। और वहाँ से मैं उसे इसलिए मैं नहीं मार रहा हूँ, मुझे वो दिख गया, मैं उसे मार भी सकता हूँ, लेकिन वो किसी और को मार रहा था, इसलिए मैं अपनी लोकेशन शेयर नहीं करना चाहता था। अभी 7 जन जिंदा है, इसलिए मैंने कहा छोड़ दे भाई, इसको छोड़ दे रहे हैं। फिर आगे मैं जलता गया चलते गए, तब अचानक क्या हुआ ये आपको अभी दिखेगा। वो देखिए दोस्तों, गाड़ी पार हुआ, गाड़ी में उसको मारने के लिए लोग दोनों व्यस्त हो गए अपने में। अब क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अब बहुत ही फालतू चीज़ हुई जिसके चलते मैं ये गेम हार गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अचानक क्या हुआ, और ये देखिए दोस्तों, अचानक ब्लू जोन पार हो गया। अब मैं जल्दी से गन पीछे रख के भागा और मैं भागना शुरू कर दिया कि जल्दी जल्दी बस ब्लू जोन ख़त्म हो जाए। और फिर मैं आगे आके लेट गया। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाऊंगा मैं कि दो आदमी भाग रहा था सामने से, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मैं अपनी लोकेशन शेयर नहीं करना चाहता था। ये देखिए अभी आपको सामने स्क्रीन पर दिखेगा, वो देखिए दोस्तों दिखा, वो देखिए दोस्तों दोस्तों भाग रहे हैं उसके सामने से। अगर आपको नहीं दिख रहा तो रुकिए, मैं आगे जाके आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ। और यहाँ से पीछे से कोई ने मुझे हमला कर दिया, ओह शिट। तो दोस्तों ये क्यों हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों मैंने गन पीछे रखी हुई थी, और अगर मैंने गन निकाल ली रहती तो उसे मैं मार दिया रहता, लेकिन नहीं मार पाया, अफसोस है।
और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना कि ये देखिए दोस्तों ऐसा भी हो सकता है, लोग पानी में भी जिंदा रह सकते हैं, सेकंड नाइट बिता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। Oye, 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 oye